हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोस यान चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिलॉसफी का पार्ट 19। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला टॉपिक है और एक विद्यार्थी जीवन के तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता पूरे भारतीयों की या पूरे हिंदू धर्म की क्या बोलना चाहिए, एक जान है ना। तो देखते हैं, चलिए आज का हमारा टॉपिक है गीता दर्शन। गीता दर्शन में तीन शब्द का उल्लेख है, स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्म योग। स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है कि हर स्थिति पे, चाहे दुख हो या सुख हो, हर भाव पे क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ है। स्वधर्म क्या होता है, सभी व्यक्ति को अपने 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 कर्म के अपने अपने कर्म के आधार पर ही क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना ही क्या होता है, स्वधर्म है। और कर्मयोग क्या होता है, बिना किसी फल के इच्छा के कर्म करना ही क्या होता है, कर्मयोग होता है। तो स्थित प्रज्ञ, हर स्थिति में समान भाव से रहना। स्वधर्म, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना। कर्मयोग क्या होता है, बिना किसी फल के इच्छा के कर्म करना, ये होता है कर्मयोग। एक बेसिक आप लोग समझ गए होंगे कि स्थित प्रज्ञ क्या है, स्वधर्म क्या है और कर्मयोग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, गीता के उपदेश में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य की उस स्थिति को कहा जाता है जब मनुष्य अपने मन में सभी कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और आत्मभाव से संतुष्ट रहता है। उसे अपने भीतर के परम ज्ञान की अनुभूति हो चुकी है, जिसे ना ही सांसारिक सुख हिला सकता है और ना ही सांसारिक दुख डिगा सकता है। मतलब आपके ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप हर परिस्थिति में एक न्यूट्रल आप अपना एटीट्यूड शो करेंगे, ठीक है। तो वही क्या होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, निष्काम कर्म योग का पालन करने वाला व्यक्ति। निष्काम कर्म, जब आपको इच्छा ही नहीं रहेगी मैं काम, बिना फल के आप इच्छा के अपन काम करेंगे, जब आप काम करेंगे तो उसे ही क्या बोलेंगे, स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाएगी। शर्ते व्यक्ति अपने मन तथा इंद्रियों को पूर्णतः संयमित कर फलाशक्ति त्याग दे, तो उसे ही क्या बोलेंगे, हम स्थित प्रज्ञ बोलेंगे, ठीक है। भौतिकवादी, आज के वर्तमान युग में ये चीज को पालन करना संभव नहीं है, ठीक है। पेपर दिलाओगे और बोल दोगे भूल जाओ, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उसके बाद क्या आप स्थिर रह सकते हो, नहीं, तुरंत बेचैन हो जाओगे, तुरंत परेशान हो जाओगे, क्या करना है कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग में सब काम करना बंद कर देगा, तो ये स्थिति तो संभव ही नहीं है। तो लेकिन अपने को क्या बोल रहा है, गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ अपने को क्या बोल रहा है कि आप निष्काम कर्म की भावना रखें और मन और इंद्रियों को संयमित कर फलाशक्ति को त्याग दें, तो आप क्या कर लेंगे, स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। परंतु आज के इस भौतिकवादी युग में यह संभव नहीं है, परंतु हम इसकी थोड़ी सी भी मात्रा को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, ठीक है, अपने मन को संयमित करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्थित प्रज्ञ में व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय जैसी विरोधी स्थितियों में समभाव रखता है, मतलब उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्णतः स्थित प्रज्ञ होना भले ही संभव ना हो, परंतु ऐसा आदर्श है जिसकी ओर जितना हो सके बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यह दिया गया है अध्याय 4 के श्लोक 13 में, ठीक है, अध्याय चार के श्लोक तेरह में जन्म आधारित ना होकर कर्म का आधार होना चाहिए। साथ ही साथ श्लोक नंबर 45, 46, 47 में भी क्या दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा स्थित प्रज्ञ। अब चलते हैं स्वधर्म। स्वधर्म क्या होता है, गीता में मनुष्य के वर्ण के एक स्वाभाविक कर्म है, हर मनुष्य के लिए स्वभाव के अनुसार जो कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। जैसे गीता में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि क्या है, जन्म आधारित ना होकर के कैसा है, कर्म पर आधारित है। जैसे आपने कृष्णा आप सभी ने देखा होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है और कैसे मुझे, मैं अपने धर्म में
कि धर्म और स्वधर्म में मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है करके। तब कृष्ण जी बोलते हैं कि हे कृष्ण, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। यहाँ पर क्षत्रिय का काम क्या हो गया है? युद्ध करना, क्षत्रिय का काम हो गया है। इसलिए क्षत्रियों का क्या काम है? युद्ध करना। वैसे ही ब्राह्मण का क्या काम है? ज्ञान देना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, दान देना, हवन यज्ञ पूजा पाठ करवाना, यह ब्राह्मण का कर्म है। शूद्र का क्या काम है? गौ रक्षा, गौ सेवा, पशुपालन, गौ सेवा, पशुपालन, खेती, वाणिज्य, ये सब किसका काम है? वैश्य का काम है। और शूद्रों का क्या काम है? सेवा करना शूद्रों का काम है। तो इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जो कर्म के आधार पर या स्वभाव के अनुसार जो कर्म आधार जो कर्म उनको दिया गया है वही क्या है? स्वधर्म है। ठीक है, हम दूसरे शब्दों पे जाएंगे, दूसरे जगह पे इसका डेफिनेशन खोजने जाएंगे। जैसे आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्वधर्म मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, शांति प्रेम आनंद की प्राप्ति, शांति प्रेम आनंद व शक्ति की प्राप्ति क्या है? हमारा स्वधर्म होना चाहिए। परंतु आत्मा विचलित हो चुकी है और उसका क्या हो गया है? पर जो हमारा पर धर्म की ओर अग्रसर है वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इसकी ओर अग्रसित हैं। तो ये हमारा पर धर्म है। हमारा स्वधर्म क्या होना चाहिए? जो हमें शांति, सुख, आनंद, शक्ति की प्राप्ति, हमारा क्या है? स्वधर्म है। ये दूसरे शब्दों में हो गया। पहले शब्दों में क्या है? स्वभाव के अनुसार जो कर्म आपको निर्धारित किया गया है वही क्या है? आपका स्वधर्म है। ठीक है, तो स्वधर्म की अवधारणा को समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। गीता में चार वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या गया है? सभी कर्मों की समानता पर बल। अच्छा, इससे फायदा क्या हो जाएगा? सभी कर्मों की समानता पर बल, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है, व्यक्ति समाज में सामंजस्य बिठा पाता है, आध्यात्मिकता का विकास होता है, क्योंकि अपने अहम को भूल कर वो क्या करता है? अपने कर्मों पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्वधर्म। अब आते हैं कर्मयोग। कर्मयोग क्या होता है? निष्काम भाव से फल की इच्छा ना रखते हुए अपने कर्तव्य पर बल देना ही क्या होता है? निष्काम कर्म होता है। गीता का मुख्य उपदेश क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ दिया गया है? गीता दर्शन पे। स्थित प्रज्ञ के बारे में कहाँ दिया गया है? गीता दर्शन पे। स्वधर्म के बारे में कहाँ दिया गया है? गीता धर्म में। हर मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए जिससे वह ईश्वर को प्राप्त कर सके। अब होते हैं अनाशक्त कर्म। अनासक्त कर्म क्या होता है? किसी कर्म के प्रति आसक्ति ना होना। जैसे मान के चलो आप किसी का अच्छा काम कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने लिए उससे कुछ उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। वो है अनासक्त कर्म। बिना किसी आसक्ति के काम करना ही अनासक्त कर्म है। और निष्काम कर्म, बिना किसी इच्छा के कर्म करना, बिना किसी फल की इच्छा कर्म करना ही क्या है? निष्काम कर्म है। तो अनासक्त कर्म और निष्काम कर्म ही क्या है? कर्म योग है। ठीक है, उसके अलावा यहां अनासक्त का तात्पर्य आसक्ति पर विजय प्राप्त करना है और निष्काम कर्म का तात्पर्य फल की कामना को त्याग करना है। आसक्ति पर विजय प्राप्त करना मतलब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, जो पीछे एग्जांपल मैंने दिया कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो तो उसकी इच्छा को आप मतलब उसकी उससे कुछ अच्छा की उम्मीद मत रखो, आप छोड़ दो, आप अपना कर्म करो और भूल जाओ। ठीक है, निष्काम कर्म योगी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठकर कर्म करता है। अपने एक गीता में एक वाक्य है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज का टॉपिक देखा है कि स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्म योग क्या होता है। ठीक है, स्वधर्म का एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना भूल गया हूं, तो अभी यहां पर बताता हूं। एक हमारे पाश्चात्य दार्शनिक है कांट। ठीक है, तो कांट का क्या स्टोरी था? एक बार जिस जगह पे वो रहते थे वहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी और उन्हें कहाँ जाना था? यूनिवर्सिटी पहुंचना था, लेक्चर लेने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी जाना था। तो उनका असिस्टेंट उनको बोला कि सर आप मत जाइए, आज बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, कोई भी स्टूडेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया? फिर उसने क्या बोला? नहीं, मुझे तो जाना है, क्योंकि वो मेरा कर्म है, मेरा स्वधर्म है। वो
उन्होंने इंग्लिश अपना हिंदी में नहीं अपने शब्दों पे अपने ही लैंग्वेज में उन्होंने बात किया होगा, तो उन्होंने बोला कि वह मेरा स्वधर्म है और इसीलिए वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और एक घंटा वो वहाँ बैठे रहते हैं जबकि वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट कक्षा पे नहीं होता है। तो इसी प्रकार गीता दर्शन का जो महत्व है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, पाश्चात्य दर्शनों में भी इसका आप देख सकते हैं कि स्वधर्म कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम टॉपिक देखे हैं स्थित प्रज्ञ, स्वधर्म और कर्मयोग। इसके साथ ही एक टॉपिक और है, भारतीय दर्शन में तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है, एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है संचयमान कर्म। संचित कर्म अतीत जीवन में किया गया कर्म जिसका फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ। संचित मतलब आपने जमा करके रखा है, कर्म तो कर लिया है लेकिन फल अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, इसे बोलते हैं संचित कर्म। उसके बाद आते हैं प्रारब्ध कर्म, अतीत जीवन में किया गया कर्म। पहले आपने किसी को मारा होगा तो आपसे बदला लेने के लिए अभी दौड़ रहा होगा वो, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रारब्ध कर्म, अतीत जीवन में किया गया कर्म जिनका फल मिलना शुरू हो गया है। और अगला है संचयमान कर्म, मतलब ऐसा वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में मिलेगा, ये आपका संचयमान कर्म है जिसको आप अभी संचय करना, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अच्छा अच्छा कर्म करना शुरू कर दो, कम से कम पुराने आपके जो कर्म है उससे उसकी सजा तो मिलेगी ही, लेकिन अभी जो वर्तमान में काम करोगे हो सकता है उसके लिए कुछ अच्छा आपको फल मिले, है ना। तो संचयमान कर्म क्या होता है, वर्तमान जीवन के कर्म जिनका फल भविष्य में मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, बाय बाय।